मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोग देख रहे होंगे सामने लिखा हुआ टेंस और ट्रांसलेशन। अभी तक आपने पिछले जो वीडियोस मैंने दो दिए हैं जिसमें मैंने आपको हिंदी सेंटेंसेस में टेंस की पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चों आज मैं टेंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमें छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं यह भी ध्यान रखना है। इसलिए मैं आज आपको केवल टेंस और ट्रांसलेशन के पहले हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए इस विषय में थोड़ी हम बात करेंगे, और ताकि हम आगे जब चले हम टेंस की बात करें और टेंस के ट्रांसलेशन के साथ बात करें तो उसमें भरपूर ढंग से हमारी जानकारी भरपूर हो, जिससे हम आगे ट्रांसलेशन सही ढंग से कर पाए। वास्तव में ट्रांसलेशन को पूरे नियमों में बांधना बड़ा कठिन बात है, क्योंकि समय और के साथ परिस्थितियों के अनुसार ट्रांसलेशन में परिवर्तन हुआ करता है। फिर भी हम कुछ आपको जानकारी दे रहे हैं कि ट्रांसलेशन करने से पहले हमें किन किन बातों का स्मरण रखना चाहिए, किन किन बातों की जानकारी कर लेनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला है टेंस और ट्रांसलेशन के लिए जरूरी है टेंस का ज्ञान, अर्थात टेंस तीन होते हैं, तीन टेंस के चार चार पार्ट होते हैं जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। इनके विषय में हमारी जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा हम अच्छे ढंग से अनुवाद नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान। जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं होगा, हम सेंटेंसेस के निर्माण में तमाम प्रकार की गलतियां कर सकते हैं। इसलिए जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग कक्षा 2-3 से ही पढ़ना शुरू करते हैं, क्लास सेकंड से ही आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू होते हैं, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, उसी के अंदर सब्जेक्ट आता है, उसी के अंदर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये सब चीजें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी हम जानकारी न करें तो ये निश्चित है कि हमें यही पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच ट्रांसलेशन करते समय हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही तो प्रयोग करते हैं, कहीं पर नाउन रखते हैं, कहीं प्रोनाउन रखते हैं। इस प्रकार से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान करने की हमारी आवश्यकता पड़ती है। मेरे बच्चों इन सभी को हम अलग अलग वीडियोस में आपको आगे देने वाले हैं अब, परंतु पहले हम सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन और टेंस सिखाने वाले हैं, इसलिए इनकी बात भी हम आगे करने वाले हैं। तीसरी जानकारी हमें होनी चाहिए सेंटेंस स्ट्रक्चर का ज्ञान। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब यह हुआ कि हम जब असर्टिव सेंटेंस बनाए, अर्थात अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस बनाए, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है यस वी ओ के फॉर्म में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उस सेंटेंस को और अगर डेवलप करना है, जब हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर का ज्ञान होगा, जैसे कहने को कह दिया जाए सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए, फिर अदर वर्ड्स आने चाहिए। इसी प्रकार से हम जब जानकारी हो जाती है, स्ट्रक्चर की जानकारी होती है, तभी हम ट्रांसलेशन की ओर आगे बढ़ पाते हैं। चौथा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ज्ञान होना चाहिए। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, जैसे आप देखें कहीं कोई पार्टिसिपेंट फॉर्म है तो हमें पता होता है कि पार्टिसिपेंट फॉर्म के साथ, या कोई मॉडल वर्ब है, ऐसी वर्ब है तो उसके साथ सब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उसका एक अपना रूल है, अपने नियम है, अपने कायदे हैं। और अगर मान लिया कोई वर्ब हमारी सिंगुलर लगानी है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ती है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब देनी पड़ती है। ये इस प्रकार से हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जब ज्ञान हो जाता है तो इस प्रकार की गलतियां हमारी ट्रांसलेशन के अंदर होनी बंद हो जाती है। फिफ्थ जानकारी हमें होनी चाहिए सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ज्ञान। अब सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का ज्ञान के लिए आपने देखा होगा, मैं कभी कभी उसे दोहे में व्यक्त करता हूं, थोड़ी सी जानकारी होती है। ये जानकारी होती है कि पास्ट पास्ट का साथ ही होता खास और खास, फ्यूचर प्रेजेंट पर आज भी करता है विश्वास। जैसे हम कंडीशनल सेंटेंस आते हैं उसमें हमें पता होता है इफ क्लॉज के साथ कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, और उसके बाद वाला टेंस
किस टेंस में आना चाहिए, ये सब बातें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आती हैं, जिनका भी ज्ञान हम आपको आगे कराने वाले हैं। साथ में अच्छे ट्रांसलेशन के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच का ज्ञान होना चाहिए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई सेंटेंस ऐसा आता है कि मोहन कहता है कि वह बीमार है, अब ऐसा सेंटेंस आया है, अगर इसका अनुवाद आपको करना पड़ेगा तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का अगर ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रकार के सेंटेंस को नहीं कर सकते। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी आवश्यकता है ट्रांसलेशन को डेवलप करने में। आगे चलते हैं वॉइस का ज्ञान। अगर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारा जो सेंटेंस हम अनुवाद करने जा रहे हैं वह एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, इसका भी जानकारी हम करते ही हैं। और इसका इसकी वीडियोस में दे चुका हूं आपको, अगर आप चाहें तो हमारा दुनिया की सबसे अनोखी ट्रिक है रूपा आई, वो जाकर के आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। वॉइस का बड़े अच्छे ढंग से मैंने उसमें वर्णन किया है। अगला है सेंटेंस का ज्ञान। मेरे बच्चों, अगर सेंटेंसेस का ज्ञान नहीं है तो हमें यही पता नहीं चल पाएगा कि हम जब ट्रांसलेशन करने वाले हैं ये सेंटेंस असर्टिव है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, कहीं ये सेंटेंस इंफ्लेटिव तो नहीं है। इस प्रकार से जानकारियां हमें होनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है ये सेंटेंस सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या मिक्स्ड है। इस प्रकार की जानकारी अगर हमें नहीं होती तो हम ट्रांसलेशन करने में असफल हो जाते हैं। इसलिए हमें सेंटेंसेस का भी ज्ञान होना चाहिए। सब्जेक्ट की पहचान, जब सेंटेंस, जब ट्रांसलेशन की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट के ज्ञान की। आखिर सब्जेक्ट कौन है, और सब्जेक्ट जब पता करना होता है तो जैसे छोटा सा सेंटेंस मैंने यहां दे रखा है, सोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता करना है। जब सब्जेक्ट पता करना है तो याद रखिए जो अंतिम शब्द होता है, जैसे यहां पर है दिया हुआ है या था होगा, तो उसके पहले जो हिंदी में शब्द आएगा वही वर्ब होगी। अब हमें वर्ब का पता चल गया। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है कि सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। इसके पश्चात आता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसके आगे अगर कौन लगा दे, कौन पढ़ता है, वर्ब के पहले क्रिया के पहले यदि कौन लगा दें, कौन पढ़ता है, तो हमें पता चलता है कि सोहन पढ़ता है, तो सब्जेक्ट की जानकारी हो जाती है। वर्ब का ज्ञान और उसकी पहचान। अब इसमें सेंटेंस में भी वर्ब का ज्ञान होना चाहिए कि वर्ब कौन सी है, तो मैं बता चुका हूं है लगा हुआ है के पहले जो दिया होगा वही मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब का जानकारी हो गई। मेन वर्ब के लिए हमें रेगुलर वर्ब, मॉडर्न ग्रामर में रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब का ज्ञान होना चाहिए। हमें आईएनजी फॉर्म का ज्ञान होना चाहिए, हमें इंफिनिटिव का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से जो वर्ब हैं किस प्रकार से उनका निर्माण किया जाता है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे रेगुलर वर्ब जो होती हैं उसमें टी, ईडी आदि लगा होता है, डी इस प्रकार से लगा होता है। और जो इरेगुलर वर्ब होती हैं जैसे गो, वेंट, गॉन, ऐसी वर्ब जो आती हैं इनका कोई नियम नहीं होता बनाने का, तो ऐसी वर्ब का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट की पहचान। अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की पहचान न हो तो फिर हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब के पहले क्या लगा दें, तो सोहन क्या पढ़ता है, अगर कह दें तो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक एक प्रकार से उसका ऑब्जेक्ट हुआ। अगला है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो वर्ब का काम न करके एडजेक्टिव या नाउन का काम करती हैं, उन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिन्हें दूसरी भाषा में नॉन फाइनाइट्स भी कहा जाता है। इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञान के बिना हम सेंटेंसेस को कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे कहीं आ गया वह सोते हुए चलता है, अब सोते हुए के लिए हमें इंग्लिश लगानी पड़ेगी और हमें यही जानकारी नहीं है सोते हुए की इंग्लिश होती क्या है। तो मेरे बच्चे हुआ हुई या कर कर करके यूज पार्टिसिपल का हम कर दें, इस प्रकार से उसमें आपको जानकारी मिलती जाएगी। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम इन सब सब्जेक्ट्स पर अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाले हैं। थोड़ा धैर्य बना रखिए, अब मैंने लगातार वीडियो आपको दे रहा हूं दूसरे या तीसरे दिन। अगला है हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान होना चाहिए।
अरे हेल्पिंग वर्ब तो इंग्लिश की जान होती है, हेल्पिंग वर्ब के बिना कुछ नहीं हो सकता। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। अगर इन दोनों को जानकारी अगर हमें नहीं है तो भी हम ट्रांसलेशन को भरपूर सही ढंग से नहीं कर सकते। इतनी सारी जानकारियां होने के बाद तब जाकर के हम कहीं टेंस की ओर सबसे पहले अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे कि ट्रांसलेशन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए। ये हम पर्टिकुलर एक एक करके पहले इजारेन का प्रयोग, वाटवर का प्रयोग, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में आपको आगे वीडियो देने वाले हैं। आप लगातार बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार हमारा ये जो उत्साह आप लोगों ने पैदा किया है ये लगातार बना रहे। नमस्कार।